तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था Redmi 7 के बारे में और यहाँ पे Samsung Galaxy M10 के बारे में बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे Samsung Galaxy M10 और Redmi 7 और Realme C2 को कम्पीट करने के लिए यहाँ पे Vivo का भी आपको फ़ोन देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला बजट सेगमेंट में। यहाँ पे ये फ़ोन निकल रहा था जो कि है Vivo का Y90। यहाँ पे ये Y19 जो कि आपको पता है Y सीरीज आपको ऑफलाइन में देखने को मिलता है, तो इसी सीरीज में ये लॉन्च होने वाला है। तो आइए गाइस, इसी के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, पूरा स्पेसिफिकेशन बताने वाला, लॉन्च डेट बताने वाला, फोन के प्राइसिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो पे पूरा एंड तक जरूर बने रहना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहां पर सबसे पहले बात करें फोन के डिजाइन के बारे में, तो गाइस यहां पे आपको नॉर्मल डिजाइन देखने को मिल जाएगा, मतलब कि पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी देखने को मिल जाएगी। यहां पर बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहां पे आपको 6.22 इंच की या फिर 6.32 इंच का HD+ का स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहां पे वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर बात करें फोन के प्रोसेसर के बारे में, जो MediaTek का Helio P20 है उससे जो नीचे का प्रोसेसर है वही देखने को मिलेगा, या फिर MediaTek का Helio P22 ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करें फोन के कैमरास के बारे में, तो गाइस यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि आपको पीछे की तरफ सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। अब यहां पे फटाफट से बात कर लेते हैं फोन के रैम वेरिएंट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यह आने वाला एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर फनटच OS 9 मिलेगा आपको, और यहां पे लॉन्च होने वाला 2GB 16GB रैम वेरिएंट्स के अंदर। फिलहाल तो इसी रैम वेरिएंट भी लॉन्च होने वाला है। यहां पे बैटरी के बारे में बात करूं, यहां पे कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं निकल कर रही है आपको कितना एमएएच का बैटरी देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 3500 या फिर 4000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी। नॉर्मल स्पीड वाली चार्जिंग मिलेगी, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट होगा, 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस, ये तो कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको फटाफट से बता दिया। यहां तक देख लिया होगा वीडियो, तो वीडियो पर लाइक कर देना, नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया होगा। तो गाइस, यहां पर अगर बात करें फोन के प्राइसिंग के बारे में, इसका जो नॉर्मल वेरिएंट है ये आपको देखने को मिलेगा 5000 से 7000 रुपए के प्राइस रेंज में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करें फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो यहां पे इस फोन के लीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको इसी महीने के अंदर ये फोन देखने को मिल जाए, जो कि होने वाला ऑफलाइन मार्केट्स के लिए। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और आपको क्या पसंद आया वीवो के Y90 में जरूर कमेंट करके बता देना। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। तो मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो को ले, टेक केयर, गुड बाय।